बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है आज 8 फरवरी है और इस वक्त दिन के 3:30 बज रहे हैं और हम नाज़ाबाद नंबर 1 में आए हैं और ये हल्का लगता है NA 249 और कौमी का और सुबह का PS 128। तो यहाँ पर हम आए हैं और हमें बहुत से दोस्तों ने कहा था कि 8 फरवरी वाले दिन नाज़ाबाद नंबर 1 का ब्लॉग ज़रूर बनाइएगा। हो सकता है वो लोग यहाँ रहते हों, अब शहर से दूर जा चुके हैं या मुल्क से बाहर। तो बाहर हमने कहा कि आज पहले एक ब्लॉग यहाँ का बना लिया जाए। 8 फरवरी का दिन है और इलेक्शन का दिन और क्या क्या हो रहा है नाज़ाबाद 1 नंबर पर, ये कैंप लगे हुए हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, रश अब शुरू हो चुका है। सुबह में थोड़ा कम रश नज़र आ रहा था, बहुत से लोगों ने यहाँ में बताया, लेकिन अब जैसे 3:30 का टाइम हो रहा है अब रश ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ से हम पूरे नाज़ाबाद, तकरीबन पूरे तो नहीं, नाज़ाबाद नंबर 1 को पूरा कवर करेंगे। गोल मार्केट पर भी जाने का इरादा है, वहाँ पर भी देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और देखिए ये तमाम वीडियो और ये मनाज़िर। ये नाज़ाबाद नंबर 1 का पीला स्कूल, यहाँ पर काफ़ी रश है। उल्टे हाथ पर बरकाती होटल, काफ़ी लोग आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, अपने अपने वोट कास्ट कर रहे हैं। यहाँ से अब हम आगे की तरफ चलेंगे और जहांगीराबाद और नाज़ाबाद चौरंगी सर सैद कॉलेज, वहाँ पर भी पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर भी दिखाएंगे आपको रश। वीडियो थोड़ी लंबी होगी उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। तो यहाँ से अब हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। तो रश काफ़ी है, हर पार्टी के वर्करों का जोश और खरोश इस पर देखने को मिल रहा है और अपने अपने वोटरों को निकाल निकाल के घरों से लेके आ रहे हैं गाड़ियों में, मुख्तलिफ गाड़ियों में। कुछ लोग पैदल भी आ रहे हैं, कुछ लोग अपनी कन्वेंस में आ रहे हैं। तो ये सिलसिला जारी है आज के दिन। यहाँ से अब हम सीधा निकलेंगे और एरिया दिखाते हैं आपको। यहाँ पर भी कैंप लगे हुए हैं। ये हम पहुंच चुके हैं नाज़ाबाद चौरंगी पे और ये वुमेन कॉलेज है, ये भी पुलिस स्टेशन बना हुआ है। यहाँ पर भी रश हम देख रहे हैं और आगे की तरफ सर सैद कॉलेज है, वहाँ चलते हैं, वहाँ की भी सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी रश लगा हुआ है, गाड़ियाँ वगैरह मौजूद हैं जो वोट डालने आए हैं। ये सर सैद कॉलेज, यहाँ आगे रास्ता नहीं है, ट्रैफिक जाम हुआ हुआ है, हर किसी को जल्दी से निकलने की और जल्दी पहुँचने की लगी हुई है और गाड़ियाँ भी पार्क करके, तो आगे तो रास्ता बने यहाँ से चलते हैं। और अब हम गोल मार्केट की तरफ चलते हैं, नाज़ाबाद गोल मार्केट, जहाँ पर पायलट स्कूल, हुसैनी स्कूल और दीगर पोलिंग स्टेशन मौजूद होंगे।
वहाँ का भी आपको एक सर्वे करा देते हैं। उसके बाद आखिर में हम चलेंगे कबायली बाज़ार भी, कोशिश करेंगे जाएं नाज़ाबाद नंबर एक का। और अब हम मौजूद हैं गोल मार्केट के इलाके में, दाखिल हो चुके हैं। और मेरे राइट साइड पर जमात खाना है और उससे पहले हुसैनी स्कूल, और यहाँ पर भी मुख्तलिफ पार्टियों के कैंप वगैरह मौजूद हैं। यहाँ पर भी रश लगा हुआ है, तो इस तरह की रौनक तो आज पूरे मुल्क में आपको देखने को मिलेगी। गोल मार्केट की मशहूर स्टार बेकरी, यहाँ से हम पायलट स्कूल की तरफ जाते हैं और देखते हैं वहाँ क्या पोजीशन है, वहाँ कितना रश है। रोडों की सूरत हाल आप देख सकते हैं। यहाँ से हम आगे की तरफ राइट साइड पर टर्न लेंगे तो पायलट स्कूल की तरफ चले जाएंगे। अब यहाँ से हमने टर्न लिया, ये पायलट स्कूल है उल्टे हाथ पर। यहाँ पर भी रश मौजूद है, वोटर आ रहे हैं अपने वोट कार्ड करने के लिए। आगे की तरफ कैंप वगैरह लगाए गए हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के कैंप मौजूद हैं। यहाँ पर भी काफ़ी रश है। और अब हम आ चुके हैं नाज़ाबाद नंबर एक का कबायली बाज़ार, जहाँ पर पिशावरी चप्पल वगैरह बहुत मिलती हैं। कुछ दुकानें इक्का दुक्का खुली हुई हैं, बाकी बंद हैं। यहाँ पर भी मुख्तलिफ पार्टियों के कैंप वगैरह लगे हुए हैं। तो ये थी एक नाज़ाबाद का ब्लॉग। यहाँ से अब हमें दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।